हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो पहल वर्ल्ड। और आज अपन करने वाले हैं सबसे पहले अपने आप को थोड़ा बहुत अपग्रेड और मैनेज, वो ऐसे कि देखो अभी अपनी चेस्ट में कुछ भी पड़ा रहता है, कहीं भी पड़ा रहता है तो अपने को मिलता नहीं है, और अपने को जो चाहिए होता है उसके लिए अपन को सारे बैरल सारी चेस्ट वगैरह ढूंढनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो आर्मर्स और वेपन्स है वो एक जगह कराता हूँ, क्योंकि ये मैंने इतने सारे बना दिए ना हीट रेजिस्टेंस वाले आर्मर, क्योंकि मैं इस जगह पे बहुत मरा हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे हीट रेजिस्टेंस वाले आर्मर बना रखे हैं। पहले इनको एक साइड करते हैं और पाल्स वगैरह अपनी चेस्ट में कुछ नहीं डाल दे, इसलिए अपने को एक चेस्ट बनानी पड़ेगी सबसे पहले और उसकी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। ये देखो, इसके अंदर अपन सारी चीजें बंद कर देंगे, सिर्फ वेपन्स डिफेंस इक्विपमेंट्स और एमओ वगैरह रखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बाकी सब तो नॉर्मल जैसे कि जो सब में पड़ा रहता है ना, जैसे इनके अंदर है, इनके अंदर सारी टिक्स है और सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। बट अगर अपन इसके अंदर सब बंद कर दें तो अब इसके अंदर अपन सिर्फ और सिर्फ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है ना वो डाल सकते हैं, जैसे कि अभी देखो अपना फूड नहीं जा रहा है, पाल वॉल्स नहीं जा रही है, की नहीं जा रहा है, बट ये सब चले जाएंगे। और मैं अपनी इन्वेंट्री भी सही करने वाला हूँ अभी, क्योंकि इन्वेंट्री भी इधर उधर हो रखी है, मेरे पास जितने वेपन्स है मैं इनको यूज भी नहीं लेता और ये फालतू में मेरी इन्वेंट्री में पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों गनों में से कोई एक उठाने वाला हूँ, एक है हैंड गन और ये दूसरी हैंड गन जो कि इसमें डलती क्रूज एमओ, शायद ये वाली, इन दोनों की सेम एमओ है और इसका अटैक भी ज्यादा है, 320 का, इसका अटैक भी कम है, तो मैं यही वाली गन रखने वाला हूँ, ये उठा देते हैं अपन। तो इन सब चीजों को उठाओ और बाकी अपने ये ग्लाइडर वगैरह तो सब सही है, अपने को शील्ड बनवानी है एक मेघा वाली, तो शील्ड अच्छी वाली बनवा देते हैं। इसके लिए चाहिए अपने को पैलेडियम फ्रेगमेंट्स, क्यों नहीं है भाई, मेरे पास पैलेडियम फ्रेगमेंट नहीं है, पैलेडियम फ्रेगमेंट बनाओ भाई, 90 तो बनाओ कम से कम। चलो अभी मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ये वाली गन, और बाकी एक अपन रखेंगे पिकेक्स, एक एक्स रखते हैं मेटल एक्स, और मेटल आर्मर चाहिए क्योंकि अपन नॉर्मली फिरते हैं, तीन आर्मर बना के रखने पड़ेंगे अपने को, हीट रेजिस्टेंट वाला, एक कोल्ड रेजिस्टेंस वाला और एक नॉर्मल वाला, क्योंकि अब अपन पता नहीं कहाँ जाए, इस जगह भी जा सकते हैं और इस जगह भी जा सकते हैं, यहाँ पे है कोल्ड और यहाँ पे हीट, तो एक आर्मर और बनवा के रखना है मेरे को। तो कोल्ड वाला आर्मर अगर बन रहा होगा तो मैं अभी बनवा देता हूँ, इस चीज की कमी है, लेदर और कॉटन, लेदर यार बना नहीं सकते क्या, मैंने अभी भी बनाया था तो लेदर मुझे यार मार के लाना पड़ा था, कॉटन तो मैं बनवा सकता हूँ, ये रहा कॉटन, तो थोड़ा बहुत कॉटन बनवा देते हैं, बाकी लेदर कैसे बनेगा, लेदर बना नहीं सकते शायद। तो अभी मैं टॉर्च लेने वाला हूँ, टॉर्च जो की बहुत काम आती है, एक ग्रैपलिंग गन, और क्रॉसबो भी अपन यूज करते नहीं, बट हाँ तीर हो तो क्रॉसबो यूज कर सकते हैं, तो एक क्रॉसबो रखते हैं, बाकी ये अपन ईयर काम लेते नहीं है, इससे अपने को इंजरीज वगैरह कम होती है शायद, लेकिन इसकी जगह अपन ने ये पहन रखा है यहाँ पे, ये एक सेकंड गाइस मेरे को ये देखने दो, इसका डिफेंस ज्यादा है, देखो इसका डिफेंस है 50 और हेल्थ है 100, और इसका डिफेंस है 15 और हेल्थ है 60, तो इसको अपन इसके अंदर रखने वाले, बाकी खाना वगैरह और बनवा देते हैं। और अभी देखो मैंने सारी चीजें रख ली है, अब मैं एक एक लाइन से जमाना चालू करता हूँ, सबसे पहले रखते हैं अपन हैंड गन, फिर टॉर्च, इन दोनों को इस कोने में रखते हैं, कभी अपने को चेंज करने की जरूरत पड़ी तो अपन फटाफट से इनको यहाँ पर रख सकते हैं फाइट के टाइम पे, और एक पिकेक्स रख लेते हैं या फिर पिकेक्स को भी नीचे रखे रहने देते हैं, एक अपन खाली छोड़ते हैं, डन। अभी मेरे को चाहिए था सबसे पहले तो गीगा शील्ड, जिसके लिए पैलेडियम फ्रेगमेंट नहीं है, कोई बना रहा है क्या भाई पैलेडियम फ्रेगमेंट, हदोगी भाई कोई पैलेडियम फ्रेगमेंट ही नहीं बना रहा। पानी वाले लॉन्ड्री रखने पड़ेंगे गाइस दो चार, जो कि मैंने रख दिए, बट उस पे कोई भी असाइन नहीं हुआ, बेरी प्रोडक्शन पे क्यों असाइन हो जाते हो, इन बेरी फार्म्स को इस कोने में कर दिया। और गाइस इससे पिछले एपिसोड में जैसे कि तुमको याद होगा मैंने ये बनाया था, और इससे करते क्या है वो मुझे नहीं पता है, कुछ चाहिए होता है शायद इसको यूज करने के लिए, क्या पता गाइस ये क्या है, इसको बाद में देखेंगे, पहले अपन जो कर रहे थे अपन उस पे फोकस रखते हैं। मुझे सबसे पहले तो अपनी शील्ड बदलनी है, और क्रूज एमओ चाहिए जो कि मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को जहां तक पता है ये एमओ खत्म हो गई थी, तो एमओ बनाने के लिए अपने को गन पाउडर चाहिए, और अगर अपन गन पाउडर बना सकते हैं क्या, एक सेकंड को, ओके गन पाउडर अपन बना सकते हैं, हाँ मैंने इसीलिए चारकोल, अच्छा मैंने पहले भी देख रखा था, मैंने चारकोल रख रखा था इसके अंदर बनाने के लिए, अब गन पाउडर बनवाना स्टार्ट करवाते हैं, और इसके बाद ओके 10 एमओ बनाने के लिए एक गन पाउडर ले रहा है, तो बहुत बन जाएगी भाई, बहुत बन जाएगी, सही है ये काम हो रहा है। इसके अलावा पैलेडियम फ्रेगमेंट कोई नहीं बना रहा भाई, इधर तू इस पे असाइन हो, ये लोग असाइन क्यों नहीं हो रहे मेरे कहने से, बहुत 3-4 एपिसोड हो गए गाइस, ये लोग असाइन ही नहीं होते मेरे कहने से, ये दिक्कत क्या है, अपडेट की दिक्कत है या फिर किस चीज, देखो देख गाइस मेरे को पानी वाले बहुत सारे निकालने पड़ेंगे तब जाके काम चलेगा, एक तो जाएगा ही सही उधर, सारे बैरियर प्रोडक्शन पे मत लग जाना भाई, देखना देखना सारे बैरियर प्रोडक्शन पे लग रहे, जैसे तो इनका फेवरेट चैप्टर हो भाई, इसको उठाओ इसको रखो, ओके शायद कोई दे रहा है, ओके पीछे, पीछे से क्यों देते हो, इसको उल्टा रख दूं क्या मैं उठा के, गाइस हमेशा मैंने देखा इसमें पीछे से पानी डालते हैं लोग आके, और ये मील भी पीछे से चलाते हैं, पता नहीं गाइस क्या चक्कर है, मैं फ्लोर उठा लेता हूं, इसका कुछ बनाने के काम आएगा, मैंने दो केक बनवा के रखे थे, केक भी उठाते हैं ब्रीडिंग के काम आएंगे, बट मुझे कुछ अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन देखने, उसके बाद ही ब्रीड करवाऊंगा मैं इन लोगों को। अभी देखते गाइस अपना गन पाउडर कितना बना है, अभी इतना
कम क्यों बन रहा है गन पाउडर इतनी धीरे धीरे? एक सेकंड हो गाइस, एनवीज तो बाहर ही है अपनी, बट वो लगी पड़ी कहां है? ओके अबे यार तू इधर इधर भाई, खूब आता है अपने पास, और ये मत तोड़ा कर तू, इधर आ मेरे पास आ। देख मैं बताता हूँ क्या तोड़ने का है तेरे को, तोड़ना नहीं बना, कुछ बना जाके। बाकी गाइस ये पाल स्फीयर्स का मैं करूँ क्या, ये इतनी सारी है ना, हाई क्वालिटी वर्क बेंच पे असाइन ही नहीं हो रहा है आदमी, क्यों भाई वाई बड़ी, क्या पता गाइस इस पे असाइन क्यों नहीं हो रहा है। बाकी हाँ इतनी देर में अपन इसमें बनवा देते हैं, 11 × 10 मतलब 110 एमओ हो जाएगी अपने पास। ओके मेरे को वो फाइन बेड वगैरह बनाने थे जो कि इससे पिछले एपिसोड में अनलॉक हुए थे, ये रहा, इसको अनलॉक करते फाइन बेड बनाएंगे। मेटल स्ट्रक्चर है ये शायद घर वगैरह बनाने के लिए, और पिकेक्स एंड हेलमेट ये खोलते हैं, माइन खोलते हैं, एक होमवार्ड थंडर क्लाउड भी है ये भी खोल लिया है। गाइस इतनी चीजें बना के देखते हैं, ये जो चीजें ये मैं आज बनवाने वाला हूँ क्योंकि ये पाल्स को हेल्प करती है। देखो ये पिकेक्स एंड हेलमेट हेल्प करेगी माइनिंग वगैरह में, माइनिंग की स्पीड, और ये वाटर फाउंटेन जो वाटर वाले पैल्स है शायद उनके लिए स्पीड इंप्रूव करेंगे। तो मैं बनवाता हूँ सबसे पहले फाउंटेन जो कि पानी के बगल में इधर बनवा देते हैं। ओके एक ये बन गया, और पिकेक्स एंड हेलमेट बनवा देते हैं। पिकेक्स एंड हेलमेट तो छोटा सा है, इसको कहाँ बनवाए, इसको अपन यहाँ बनवा देते हैं। अभी सिलो बनाना है अपने को, वो ये बहुत बड़ा है भाई, यहाँ बनवा देता हूँ। ये दिखाओ इससे क्या होता है, कि इससे भी कुछ होगा नहीं बट हाँ माइनिंग स्पीड बहुत फास्ट कर देंगे। अभी अपन बनाते हैं स्टंप एंड एक्स, ये शायद पेड़ काटने में काम आएगा, तो इसको अपन यहाँ बीच में बनाएंगे, ये अच्छा लगेगा मतलब पेड़ों के बीच में, यहाँ पे अपने सारे पेड़ आते हैं। फ्लेम कल्ड्रोन ये किस काम का है ये भी मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, बट हाँ इसको अपन इस कोने में बनवा देते हैं, ये यहाँ बहुत सही लगेगा। बाकी ये जो फायर वाले पैल्स है ना उनके मेनली काम आएगा ये। ओके मैंने ये बनवा दिया, ये बनवा दिया, इसके लिए अपने पास फ्लावर्स नहीं है कि मैंने सब कुछ बनवा दिया, साइन बोर्ड मुझे बनवाना नहीं है। अभी मैं अपना बेड चेंज करने वाला हूँ, सबसे पहले तो इसको हटाओ बेड को, अभी मैं बनवाऊंगा अच्छा वाला बेड जो कि ऐसे लगेगा। हाँ ये सही है, ये अपना बेड ये लोग बना देंगे। बाकी एक मेरे को बनाना हीटर और एक कूलर भी था। ओके ये रहा कूलर, कूलर अनलॉक कर दिया मैंने, ये रहा कूलर को मैं कहाँ रखूं, छोटा सा है। ओके इसको रखते हैं यहाँ पे, ये बनने के बाद अपने को ठंडी तो नहीं लगने लग जाएगी। बाकी हीटर में क्या कम पड़ रहा है, चारकोल, ठीक है मैं चारकोल बनवा देता हूँ। एक सेकंड रुको, जल्दी जल्दी बनाओ भाई, चारकोल बनाओ एक बार। गाइस अपना गन पाउडर पूरा हो गया है और ये पूरा नहीं होने आ रहा है भाई, अभी तक थोड़ी बहुत एमओ तो हो गई है। ठीक है एक बार इसको कैंसिल करते हैं और वापस सबको बनवाने रखते हैं। चलो अभी 390 एमओ बन जाएगी गाइस, ये बन गया है बट ठंडी तो दे नहीं रहा यार। रिक्वायर्ड कूलिंग, ओके कोई तो कूलिंग वाला पैड रखना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे देखना है, अगर मैं सिर्फ कूलिंग वाला मतलब ये कूलर लगाता हूँ क्या मुझे ठंडी लगेगी? ये रहा मेरा कूलिंग का पैड। ओके ये साइन तो मैंने कर दिया है बट ये कहाँ गाइस, ये आदमी नहीं कर रहा जो मैं कराना चाह रहा हूँ, छोड़ो मैं लगाता हूँ हीटर। ठीक है और हीटर भी छोटा सा है तो क्यों ना कूलिंग के बगल में हीटिंग लगा दे, इधर लगा देता हूँ मैं हीटिंग, इधर जगह है थोड़ी सी। ठीक है हीटर भी मैंने लगा दिया, कूलिंग भी मैंने लगा दी है, ये दोनों अपने अपने टाइम पे अपना अपना काम कर लेंगे। अभी बसता है गाइस अपना माउंटेड क्रॉसबो जो कि छोटा सा है और अपने जब वो आते ना रेड करने तो उन पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा जहां तक मेरे को उम्मीद है, तो इसको मैं यहां लगा देता हूं क्योंकि वो यहीं से आते मेनली, तो अपने पैल्स वगैरह खड़े होके यहां से मार सकते हैं। ठीक है यहां लग जाएगा ये, इसको बना दो गाइस तुम लोग। ओके हीटर चार्ज भी हो रहा है गाइस, अब अगर मेरे को गर्मी लगने लग गई ना मैं मार दूंगा तुम लोगों। बाकी तुम क्या तोड़ने में लगे हो, स्टोन और आदमी और भाई और का तो मैं बंद ही कर देता हूं क्योंकि देखो तुम्हें दिखाता हूं मैं, 2 सेकंड रुको, बस 2 सेकंड रुको गाइस, मैं और वाला उठाने वाला हूं क्योंकि ये देखो यहां 815 तो ये पड़ा है और अपने घर पे कम से कम 1000 इंगट्स पड़े होंगे, तो कोई जरूरत है नहीं उस और फार्म की, तो इसको अपन हटा देते क्योंकि लोग बाग डिस्टर्ब हो जाते। ये देखो चलो अब निकलो यहां से, निकलो बस अब 1 सेकंड। अच्छा हां और पड़े है ना, मैं सोचा जितना और बना था उतना तो ले लूं, अबे ये और मेरे अंदर क्यों आ गया भाई, अपने आप वो पहुंचा देंगे वो लोग बाग। बाकी स्टोन तोड़ते रहने देते, स्टोन पैलेडियम बनाने के भी काम आएगा। बाकी अपना पैलेडियम फ्रेगमेंट बन गया है, थोड़ा बहुत ड्रॉप कर दो जिससे कि लोग बाग उठा के ले जाए। और मुझे पैलेडियम फ्रेगमेंट से बनवाना था एक मस्त अपनी शील्ड जो कि अनलॉक हो गई है, मतलब इसको अपन बना देते हैं। और एक ये रिंग भी है अपने पास जो कि नॉट रिड्यूस द टारगेट हेल्थ ब्यूरो, पता नहीं तो पहले अपन ये बनाते हैं शील्ड जो कि बनेगी आधे घंटे में, तो इसको छोड़ो और अपन देखते हैं क्या रह गया है। डिफेंस में माइन रह गई है जो कि बहुत छोटी छोटी है यार, माइन को मैं बेस के बाहर लगा सकता हूँ क्या? तो ये रास्ता है मेनली लोगों का आने का। इनसफिशियंट मटेरियल क्या नहीं है, है तो सही, इंगट और फ्लेम ऑर्गनी तो चाहिए। ओके मैं नहीं बनूंगा शायद, 2-3 लगा देता हूँ गाइस मैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जिससे कि अपने बेस पे कोई भी आए तो वो मर जाएगा। इसकी गुद्दी पे लगा के देखते हैं गाइस, अब देखो अबे अबे भाग जाए यहाँ से,
गाइस काम किया ये, देखा तुमने। और माइन एक बार फूटने के बाद पूरी खत्म हो जाएगी। अब अपने को चाहिए हैंगिंग ट्रैप। ये हैंगिंग ट्रैप, अगर इस ट्रैप में किसी ने पैर रखा तो वो इस पे हैंग हो जाएगा, जो कि माइंस के आगे ही बना देता हूँ, क्योंकि माइंस तो थोड़ी देर में हट जाएंगी। गाइस ये कैसी लगेगी ये देखो, अभी अगर इसमें कोई आया तो वो फंस जाएगा, वो चाहे पाल हो या फिर वो ट्रेडर वगैरह। गाइस ये देखेंगे, अगर इसमें कोई फंसाना मजा आ जाएगा भाई। एकदम रास्ते में रख रखा है, मेरे घर पे आने वाले रास्ते के बीच में रख दिया मैंने। बाकी अलार्म बेल है जिससे कि अपने लोग बाग इकट्ठे हो जाएं, जिसकी मेरे को जरूरत लग नहीं रही है। अभी बजाई मैंने बेल, देखो देखो सबको देखो सबको देखो, सब मेरे जहां तक इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं हो रहे बे, कोई काम की नहीं है बेल, बट ठीक है अच्छी लग रही है अपने गेट पे। जो भी मैं बना सकता था वो मैंने सब बनवा दिया है। और गाइस अभी बसते हैं कुछ बहुत अच्छे अच्छे शेडल जो कि मैं अनलॉक करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं पायरिन का शेडल अनलॉक करके देखता हूँ। वैसे इधर के सारे शेडल वगैरह खोल के चलते हैं ये लोग, जो कि सबसे पहले मैं बनवाने वाला हूँ पायरिन का शेडल। बट इसके लिए लेदर की कमी है यार, लेदर बहुत कम पड़ रहा है भाई, लेदर कहाँ से लाऊं मैं। अब मैं एक एक बंदे को मारने जाऊं क्या, लेदर का भी कुछ करो ना प्रोडक्शन भाई। बाकी अपनी शील्ड बन गई है, शील्ड लेते हैं, इसको पहनते हैं। और जो ब्लू वाली शील्ड है अपन अपने डिफेंस बॉक्स में रखवा देते हैं। तो ये चली गई, बाकी अपने पास जितना भी फालतू आइटम है उन्हें सबको उठाओ। इधर की भी गाइस एक भी चेस्ट खाली नहीं है, मैं अभी खाली करता हूँ। इसमें अंडे पड़े थे कहीं ना कहीं, तो उन सब अंडों को अपन फोड़ देते हैं। आ जाओ इसके अंदर डालते हैं गाइस एक एक करके, सारे नॉर्मल वाले हैं, देखते हैं इनमें से कुछ अच्छा निकलता है कि नहीं। इसमें से कुछ अच्छा निकला? नहीं निकला, उम्मीद ही नहीं थी। कैसे इसमें से कुछ भी अच्छा नहीं निकला? नहीं, वैसे भी उम्मीद नहीं थी। इसमें से नहीं निकला, छोड़ो। इसमें से भी नहीं निकला। ओके कुछ तो निकला, कॉमन ही सही बट ओके। एक नया पेट गाइस, इसको मैं देखना चाहूंगा। ओ सही है, इससे अपन ब्रीड करवा सकते हैं, ये इसलिए काम आएगा। नॉर्मल है तो क्या हुआ। अभी मुझे चाहिए बहुत सारी एमओ, जो कि मेरी बन चुकी होगी, अगर नहीं बनी होगी तो इनकी एस तेस। 40 एमओ बनाएंगे, कौन काम कर रहा है भाई। पेंगुलेट की ये रॉकेट बना के देखना, मैंने शायद पहले भी देखा था इसको। ये रॉकेट से होता क्या, लॉन्च हो जाता है क्या पता नहीं कहीं और जाके। लेट्स सी गाइस, पेंगुलेट इस पेंगुलेट लॉन्चर को बना रहा है, बनाने देते हैं। ओके अभी मैं कहां जा सकता हूं, देखो एक तो ये है, ये मेरे को फैन ग्लोब चाहिए, ये बहुत तेज दौड़ता है भाई। एक सेकंड में जाके आता हूं ना, और एमओ ले चलूंगा अगर थोड़ी बहुत एमओ बन गई हो तो। ओके पेंगुलेट का ये भी बन गया है, ये भी मेरे को देखना है। और एमओ बनी क्या, एमओ बन गई, 40 बन गई। एक सेकंड गाइस, एक पेंगुलेट रखता हूं मैं अपने पास, इसको यहां छोड़ते हैं। और अब मैं एफ दबा रहा हूं, ओके लॉन्च के लिए तैयार। और ये मैंने छोड़ा कैटिवाओ पे। ओ भाई ओ ये क्या हुआ भाई, जाके फूट गया, क्या सही चीज थी भाई, है तो बढ़िया। और ये खुद से रिकवर है, ये टाइम आजकल शायद अपडेट में आ गया गाइस, शायद 150 सेकंड्स लगेंगे इसको अपने आप, अगर मेरी इन्वेंटरी में पड़ा रहा तो शायद रिकवर होने में। अभी चलते हैं गाइस अपन इस बंदे के पास, जो कि मैंने बोला था ग्लिच चक्कर से शो नहीं कर रहा, बट ये ग्लिच के चक्कर से नहीं, इसका रास्ता इधर से है, तो चलते हैं इधर। बाकी अभी अपने को मैप में जाना है, बिल्कुल सही इधर जाना है। ओके यही वाटरफॉल है, एक वाटरफॉल ही बताया था जिसके नीचे से अपने को जाना था, शायद वो ये वाटरफॉल। लेट्स ट्राई, मैप में तो यही शो कर रहा है एक वाटरफॉल। ओके हाँ, जहां भी ये माइंस वगैरह होती है ना भाई, ऐसा सा होता है ना, जो भी वहां पे कुछ तो चक्कर होता है, मेरे को ये पता पड़ गया, क्योंकि एक बार मैं जाके आया, पता नहीं किसको मार के आया था। ओके गाइस ये देखो माइन शाफ्ट, जो कि पानी के पीछे छुपी हुई है। गाइस अपन आ चुके हैं, मेरे को मिल गया है ये। बाकी मैं अभी तो कुछ नहीं करने वाला, इसकी जगह देखते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे ओर्स बहुत सारे हैं गाइस, अगर अपने को ये मिल जाता है तो इसकी शेडल अपन अभी खोलेंगे। चलना मारना, इतना डरता थोड़ी, 25 लेवल गई तो है। अरे भैया गीगा स्फीयर में पकड़ूंगा इस आदमी, ये आदमी काम आएगा गाइस। चलो मेरे को इससे बोर हो गया, मैं इस ये फाइट करेगा गाइस। ये ओरे रे डर गया भैया मैं, ये देखो बोला था ना ये आदमी बढ़िया भाई मेरा। चलो बढ़िया चल रही, बढ़िया चल रही फाइट, चल ले आ जा रही यार, इतनी माता थोड़ी मत करा। अरे यार आया ही नहीं यार, भैया आ जाओ ज्यादा खत्म हो जाओगे। बेटे बहुत सारी बनवा के लाए हूँ आपकी बार तो। ओके अब तो आ जानी चाहिए। ओके गाइस अपने को मिल गया है पेन ग्लू, अब भी अपन चलते हैं घर पे। मैं बाहर आ गया हूँ, निकलते हैं यहाँ से, और अपना टावर है इधर की साइड। गाइस बहुत आसानी से पिल गया ये आदमी, अभी मेरे को देखना है कि मैं किसको पिल के आऊं। बट उससे पहले मैं बनाने वाला हूँ इस बंदे की शेडल, जो कि यार शायद मैंने अनलॉक नहीं करी है। बट ये बंदा कहाँ है, ये रहा गाइस इसकी जगह पे रखते हैं, ये देखो। ओके ये री26 लेवल पे यार, बट मैंने अपने टेक्नोलॉजी पॉइंट ही खत्म कर दिए हैं। शिट गाइस, और एक ये भी तो था, ये मैंने बनाया ही नहीं है ये, बट ये है भी तो नहीं कहीं भी, बनेगा कहाँ पे ये रहा गाइस।
इलेक्ट्रिक ऑर्गन डेजी क्लाउड, ये कहाँ मिलेगा? ट्रांसपोर्ट यू टू नियरेस्ट बेस कैन नॉट बी यूज्ड इन डीगन्स एंड अदर सिमिलर लोकेशन। गाइस पता नहीं कहीं तो ट्रांसपोर्ट वगैरह करने के काम आता है। बाकी एक रिंग थी, मैं रिंग बनवा देता हूँ ना, ये रिंग क्या काम आएगी पता पड़ जाएगी, बन जान दो इस रिंग को। और ये मशरूम से क्या होता है, ये मशरूम ओके मैं बहुत सारे लाया हूँ बट ये खत्म हो जाते हैं। मशरूम दैट ग्रो केव्स कैन मेड टू हीलिंग मेडिसिन, ओके ये खराब भी हो जाता है, तो इससे पहले अच्छा है कि मैं मेडिसिन बनवा दूं इसका। ये काम आते हैं इसके अंदर, बट पांच पांच चाहिए यार। अब इसको स्टोर कहाँ कराएं बट अपन, क्या ये फ्रिज में स्टोर हो जाएगा? बाकी अपने पास दूध बहुत सारा पड़ा है, दूध से हॉट मिल्क बन जाता है भाई, वो उस दूध को गर्म कर देते हैं लोग। वापिस से सब चीजें खाली करा के आता हूँ क्योंकि बहुत भर जाता है भाई, एक जने को मार के आओ इतना भर जाता है ना इन्वेंट्री, इतनी भर जाती है ना। काम करता हूँ, इतनी माता फोड़ी अगली बार से करनी ही नहीं मेरे को। देखो बताऊँ क्या करने का, इसको करो ड्रॉ, इसको कर दो ड्रॉ क्योंकि अपने आप उठा के ले जाएंगे ना, माता फोड़ी खत्म भाई। देखो उठाने लगते हो। और अभी मेरे को एमओ यार ये वाली पूरी बना दो ना, जिससे कि फिर मैं अपने क्रॉसबो की एमओ बनवा सकूं। और गाइस मुझे टेक्नोलॉजी पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे जो कि इकट्ठे होते हैं, ये एंशियंट टेक्नोलॉजी पॉइंट्स तो मिलते हैं अपने को बॉस पाल्स मार के। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन यही है कि अपन अपनी लेवल अप कर लें या फिर पाल्स पकड़ते रहे तो वो अपने आप हो जाएगा काम। बाकी अपनी रिंग बन गई है, इसको लेते हैं। और ये कहां जाएगी कि नेकलेस की जगह, यार ये दो दो चीजें क्यों रखते हैं, अब मेरे को समझ में नहीं आती कौन सी चीज रखूं। एन नेसेसरी दैट स्लाइटली राइजेस द अटैक, और ये अटैक टारगेट हेल्थ ब्लॉक नीचे जाए। गाइस अभी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। ओके चलो ये देखते हैं, ये कॉमन है, ये रेयर है, इसको अपन यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये रेयर दिखा रहा है, वो कॉमन दिखा रहा था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। ओके गाइस तो अभी मैं मारने वाला हूँ इस बंदे को, ये है शायद इलेक्ट्रिक टाइप, और इलेक्ट्रिक टाइप को वाटर वाले बंदे बहुत गंदा धोते हैं, तो मैं वाटर टाइप वाले सारे बंदे लेके जाने वाला हूँ, सारे वाटर टाइप। अगर वाटर टाइप वाला अपन किसी को राइड कर सकते तो वो भी वाटर टाइप वाला, वरना वो तो अपन यही लेके जाएंगे नौडन खटोला। तो वाटर टाइप में सबसे पहले अपने आएगा ये वाटर टाइप है, बट इनको लेके जाऊं मैं लड़ने के लिए सीरियसली, ये भी तो है वाटर किंग पैका। ओके गाइस अभी मुझे कुछ अच्छा लग नहीं रहा है वाटर में, तो मैं चाह रहा हूँ इन्हीं को ले जाऊं। एक इलेक्ट्रिक वाला रख लिया मैंने इसकी जगह पे, बट ये मारेगा कैसे यार पानी में, वो बंदा बीच ये उड़ के फिर भी मार देगा। चलो गाइस मैं लेके जा रहा हूँ इन सब चीजों को, बाकी थोड़ी बहुत अगर एमओ बन गई हो तो मैं एमओ ले जाता हूँ, थोड़ा बहुत तो खाना, बाकी खाना मेरे को यार यहाँ भी रखवा के आना है, यहाँ मैं नहीं रखवाता एक बार। ये देखो गाइस सारे ये पता नहीं ये क्या एनओरबीज वगैरह, एनओरबीज कह रहा हूँ मैं, ये एनओबीज वगैरह क्या है भाई, पता नहीं इतने जल्दी बीमार हो जाते हैं, हल्का काम है भाई इन लोगों का। चलो मैंने बहुत सारा खाना रखवा दिया, बहुत सारा मेरे पास है भी। ये ओर वगैरह तोड़ रहे हैं, देखो अभी 815 थे, 815 ही है अभी तुम्हारी यस दस सालों। अभी अपन जाने वाले हैं इसके पास, इसको मारने के लिए अपने को जस्ट बैक में जाना होगा, इधर बिल्कुल सीधा, बट यहाँ पे किसी ने किसी को कैद कर रखा है तो इनको भी देख लें थोड़ा। हाँ भाई क्या हालचाल है तुम लोगों के, इसको मारते पीटते रहते हो। ये कुछ तो नया है, नहीं नहीं नया नहीं है, ये मैंने देखा हुआ है, अब पकड़ाएगी नहीं पता नहीं, अभी पता पड़ जाएगा, अभी पता पड़ेगा। ओके पकड़ा हुआ था दूसरा पेट पकड़ा है पर नहीं है। ये अपन बढ़ रहे हैं अपने मिशन की तरफ, वाटर का डेंजरस पेट गाइस। ओके इसके पालतू जीव तो दिखना चालू हो गए, और ये भी दिख गया गाइस, मैं यहीं उतरने वाला हूँ, इनके पालतू जीवों को मार पहले जा। मैं मुझे मत मारी रुक, ये गाइस खत्म, वो इधर की साइड आ रहा है। यार ये है तो खतरनाक आदमी, मार देंगे कि नहीं पता नहीं, पानी में अलग से है, मैं 5-5 का डैमेज देके कर क्या लूंगा इसको। मेरे पास ही आ गया ये, इस पेट को छोड़ना पड़ेगा गाइस। चलो सही है, इसको तो मैं ही खत्म कर दूंगा। शिट 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 शिट, ये क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ भाई, यार मैं इसकी हेल्थ तक कम नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा यार, 18 का डैमेज भाई, हिट नहीं होगा इससे, फाइट मुश्किल है। भाई ये पानी के पीछे कैसे मार रहा था। गाइज अपन ने अपनी लोल करवा ली है, हम जा रहे हैं अपनी पेटी लेने, हम नहीं मारेंगे उसको। गाइज हम आ गए अपना सामान लेने, लेट्स गो, मिशन फेल। अभी यहाँ चले क्या इसी इन्हीं पेट्स के साथ, बट इसका रास्ता कहाँ से है मुझे ये नहीं पता। कोई नहीं अपन एक बार के लिए ढूंढ लेंगे, कहीं आस पास माइन शाफ्ट दिख रही है तुम, क्योंकि उसका रास्ता तो पक्का माइन शाफ्ट से होता हुआ जाता होगा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं इसके पास जाके आया हूँ। ओके इधर जाना है मुझे शायद, इसमें कौन है, चल वैसे छोटे छोटे चिरांदी पकड़ा करो तो औकात देती है, वो छोटा छोटा है पर कुछ तो नया है। ए, मारना भाई इनको मारना, मुझे खोलने देने गेट। नुकीले वाला मिल गया, अरे मतलब ये अपने पास है बट येलो वाला है।
लेट्स गो गाइस। मैंने अभी देखा इसका रास्ता बिल्कुल यहाँ से दिखा रहा है, इसके बिल्कुल बगल में से। यहाँ अपन चलते हैं, देखते हैं क्या अपने को माइन शाफ्ट मिलेगी कि नहीं। ओके मेरे को दिख गई गाइस, सामने जल रहा है। गाइस ये देखो अपने को मिल चुकी है। जब आई गए हैं तो थोड़ा सा पेटी वेटी लूट ले, गोल्ड कॉइन मिल जाते हैं और कुछ नहीं है। और ये शायद वाटर टाइप बंदा है क्योंकि पानी के बीचों बीच है ये आदमी। क्या मैं पहुंचने वाला हूँ? कितना अंदर ये आदमी, कुछ ज्यादा खतरनाक तो नहीं है ये भाई? इतना अंदर जाके तो ये आदमी मिला है मेरे को, इतना बड़ा अलग से है। एक्वा और ग्राउंड का बंदा है जिसके लिए मैं शायद ठीक ठाक बंदे ले आया हूँ, क्या पता। मुझे पेटी वगैरह लूटने तो भाई, देखते हैं अभी। अच्छा बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। अच्छा दिक्कत है तुमको है? अच्छा मैं भी तो मार सकता हूँ इसको, ये तो मैं भूल ही गया था। अबे नहीं, ओके बच ही गयो। बाकी मैं गोली चलाने के लिए कुछ तो करने वाला था। खेलना खेलना बंद। ओके 20-28 का हेडशॉट दे पा रहा हूँ मैं। सुन पड़ेगी भाई सुन पड़ेगी, ये मारना मेरे को प्रॉपर हेड पे। ओके इस पे मेगा स्फीयर यूज कर देते हैं, ठीक है देखी जाएगी। मेगा मतलब हाइपर स्फीयर ज्यादा खर्च होती नहीं है। हाइपर स्फीयर बोलने वाला था, मेगा स्फीयर बोल। चलो लेट्स गो गाइस। कहाँ जाना था? रास्ता ये रहा। एक और आ गया अपने पास, मत सपे। चलते जाओ चलते जाओ, चल चलते जाओ चलते जाओ, चल। ओके गाइस मैं आ गया हूँ बाहर, और मेरे को लगा था रात हो गई। मैं बोलने वाला था कि रात हो गई बट हुई नहीं है रात। चलो अभी अपन ने मैप के सारे बंदे खत्म कर दिए, अब अपने को एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। तो अभी अपन, और मैं चाह रहा हूँ टावर पे चले जाएं। एक सेकंड, पहले मेरे को यहाँ से भी तो टावर पे जाना पड़ेगा यार। लेकिन बंदे भी बदल के आऊं, मैं घटिया बंदे लेके आया। ये देखो ये देखें, ए जीरूब शकल देखी इसकी भाई, मारती तक नहीं है यार घटिया। एक बार के लिए अपन घर आ गए। अभी मुझे देखने दो ये वाला पेट, ये कैसा है ये? अबे यार इतने बड़े बड़े तो ये है साइज के। गाइस अगर इसको अपन इसकी जगह रखें और इसको उठाएं और इसको इस पे असाइन कर सकते हैं क्या? ये अंदर जाना चाह रहा है, इधर छोड़ देता हूँ इसको। अब बाहर आ गया साला भाव ले। अच्छा इसके अंदर चीजें जब सही रहती होगी, जब इसको कूलिंग मिलती है। एक काम करें, क्यों ना इसको प्रॉपरली इसी पे असाइन कर दे। डन। और मैं उस टावर पे लड़ाने के लिए लेके जाने वाला हूँ कुछ बढ़िया बढ़िया पेट्स, जैसे कि हो गया एक ये, एक इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, एक फायर हो गया। इलेक्ट्रिसिटी वाले ज्यादा हो गए ना, ये ले जा। ओके मैंने सारे टाइप के पाल्स रख लिए हैं। अभी मैं खोलने वाला हूँ एक नया टावर, ये वाला। इसमें देखते हैं कौन सा बंदा आता है, कौन सी बंदी लेके। मतलब वो जो अपन ने एक टावर पे लड़े थे अपन, उसमें तो एक टैटू वाला बंदा आया था। बिल्कुल बैक में जाना, यहाँ कहीं तो टावर है बट क्या वो ठंडे इलाके में? अरे यार वो ठंडे इलाके में। गाइस मेरे को एक कोल्ड रेजिस्टेंस वाला आर्मर और ले आन दो। मैंने आर्मर बनवा लिया है, लेट्स गो। अभी मैं पूरे इंतजाम के साथ आया हूँ, मुझे जाना है यहाँ। चलो ठंडे इलाके में अगर वैसे अपन ये लेके चले भी जाए ना तो दिक्कत ही नहीं है। और अपन ने अगर हीट रेजिस्टेंस वाला, हाँ वो आर्मर पहन रखा है। गाइस देखते हैं टेस्टिंग, साइंटिफिक टेस्टिंग गाइस, साइंटिफिक टेस्ट। मैं आ गया हूँ ठंडे इलाके में, एकदम चील हो रही है जगह है। और अगर मैं अपना आर्मर उतार दूं तो तुम देख सकते हो मेरे को ठंडी लगने लगी और इसको निकालती गाइज ये। बाकी मैं क्यों नौटंकी दे रहा हूँ, मैं ये पहन ही लेता हूँ। इसकी 105 का डिफेंस है, हीट वाले का भी 105 का है। हम चलेंगे इसके ऊपर बैठ के, लेट्स गो। बाकी मैं कोल्ड वाला कोई भी वो लेके नहीं आया हूं। बहुत बढ़िया। ओके आइस फॉक्स, मैं इससे नहीं लड़ने वाला, अभी तो नहीं लड़ने वाला। कतई भी नहीं, बाद में आएंगे भैया तुमसे। मैं बस ये टावर देखने आया था, टावर देखूंगा और चला जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि 32 लेवल की थी भाई, पता नहीं क्या हो। ओके ओके मैंने ज्वाइन कर दिया, मेरे को पता नहीं पता क्या है, कुछ तो मिलेगा बढ़िया सा। अब इसकी स्टार्टिंग अलग है, ये कौन आ गई सुंदरी मेरे पास यारी भाई। क्या चाह रही है ये? ये जानता हूँ इसको तो, एटीट्यूड गाइस एटीट्यूड। मुझे पैर तो छोड़ने दो यार, ऐसे क्या कर रहे हो, रुक जाओ 10 मिनट की बात है। ओके चल 68,000 डबे कहाँ से मारूंगा इसको मैं? लाओ लाओ बंदूक निकालो, ऐसे कैसे नहीं। ओ 200 का तो अटैक ले रही है। ओके मेरी एचपी कम कैसे, पॉइजन दे दिया भाई इन लोगों ने। बेटे अच्छी चीज तो अभी तक मैंने छोड़ी नहीं है। ओके घटिया चीज आ गई, घटिया चीज आ गई मेरे पीछे। अबे ये क्रॉस कैसे हो जाते? ओके मेरे को पॉइजन लग गया है, शिट टाइम होने वाला है, मार दो भाई इसको। अच्छा 6 मिनट अभी। इसको छोड़ के देखते हैं गाइस, 11,000 की एचपी, सिर्फ 11,000 की बची है। नहीं नहीं नहीं
मैंने अपनी एचपी पे ध्यान ही नहीं दिया भाई, मेरे को लगा था मार दूंगा। गाइस अपनी पेटी ले आते हैं बस अपन। एक सेकंड, मेरी पेटी कहाँ है भाई? पेटी ऊपर छोड़ी है इन लोगों ने। अच्छा पेटी ऊपर नहीं छोड़ी है। गाइस मैंने इसको मार ही दिया था तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इसको अपन कभी भी मार सकते हैं। फिलहाल मैं घर पे आ गया हूँ और फिर से एक सस्ती सी रेड चालू हो गई है गाइस। ओके सस्ती नहीं है, इसमें कुछ तो नए पेट्स हैं शायद, या फिर वही चील वगैरह। अच्छा ये वही है भाई, सारे वही। पहलो पहलो सालू, ए मेरे को बिजली बिजली नहीं करने का, मेरे से बिजली बिजली ना, तेरी पकड़ लूंगा साले तेरे को तो। भागोगे डर के? भाग, मैं मर कैसे रहा हूं? शिट मैं यही मरूंगा भाई। पहली रेड होगी जिसमें मैं हार गया हूँ, मेरे पेंस क्या कर रहे थे? चले गए भाई, ये अगर एक बार मार देते ना फिर चले जाते हैं यार। लेकिन आई भी तो 26 लेवल के थे, थोड़ा सा हल्के में ले लिया है। गाइस अपन ने जो ट्राई किया था टेक्नोलॉजी पॉइंट लेने का, जो कि मिल गए हैं अपने को, एक बच रहा है, एक टेक्नोलॉजी पॉइंट और ले आऊं मैं और वो अपने को मिलेगा। एक बार बूसी मारते हैं गाइस दोबारा से। चलो भैया जी के पास हम वापिस आ गए। गीगा स्पेयर वेस्ट मत करा, देख बता दे रहा हूँ, गीगा में पकड़ूंगा, हाइपर में पकड़ने चला तेरे को, इतनी औकात का सा है नहीं तू। ओके क्या मेरे को टेक्नोलॉजी पॉइंट मिले? टेक्नोलॉजी पॉइंट ना ही मिलेगा आज। अरे इनको भी तो मार सकते हैं, 16 लेवल के, बट बॉस पहले से मार के आते हैं ना, छोड़ना। अरे जाने मेरे पास गोलियां खत्म हो गई गाइस, 31 लेवल का वैसे मार देंगे। दिस वर्सेस दिस कराते हैं लोग, वो 31 का है, अपना 30 का है। आजा बेटे टाइम है तेरे पास, अल्लाह नौटंकी देता है भाई। आजा रे आजा प्लीज, इसके बाद लेवल अप हो जा रहा। जय माता दी। अरे यार एक और मारना पड़ेगा, अगर हमको टेक्नोलॉजी पॉइंट मिले होंगे तो हम। अरे नहीं मिले भाई। गाइस लेट्स गो, ये आ गए अपन अगले बंदे के पास। ऐसे अपन एचपी बढ़ा सकते भाई, 380 है ठीक है। ये लो एक में 300 हो गई, अब तो आएगा, आ जाएगा भाई आ जाएगा। रेड़ 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 दे। ओके ये दो बंदे, दोनों को मार दे भाई। ओके 31 लेवल हो गई, बट अच्छा अपनी नहीं हुई। ओके गाइस स्वीप आ गए बड़े पापा इसके, जिसको पीट के शायद अपनी लेवल हो जा 31 हो जा। गाइस छोटे मोटे को मार के भी काम चल जाएगा अब, तो उसमें हम छोटे मोटे को चुनते हैं, इन दोनों को यहाँ चलते हैं। गाइस मैंने इसको नहीं पकड़ा था, इसके पास चलते हैं गुमोस के पास। ओके गाइस अपन भाई के पास आ गए हैं, इससे पिछली फाइट में पूरा खत्म हो गया था, बस दिक्कत इतनी सी हुई थी। ओके एक अटैक में खत्म हो गया। अरे आजा यार फिर पूरा मर जाता है, कोई मतलब तो है नहीं। ओके गाइस लेवल अप हो चुकी है, अभी मैं टेक्नोलॉजी में जाऊंगा। पेन ग्लोब का सैडल मिल चुका है, लेट्स गो। अभी मैं जाने वाला हूँ घर पे, फटाफट से रुक जाओ। ओके मैं अभी आ गया अपने बेस पे और मुझे बनाना इसका सैडल। का सैडल अनलॉक किया ना ये रहा, इसमें कॉटन चाहिए, पैलेडियम फ्रेगमेंट और लेदर। गाइस लेदर इकट्ठा करना पड़ेगा, क्या इनको मारने पे लेदर मिलता है? गाइज मैं जा रहा हूँ घर पे, अभी लेदर इकट्ठा करने जितना वो हो नहीं रहा। गाइज अगले एपिसोड में अपन लेदर का कुछ तो देखेंगे, जिससे अपन लेदर ही लेदर बना सकें। तो गाइज अपन अगले एपिसोड में लेदर का कुछ तो जुगाड़ करेंगे। और बाकी आज के एपिसोड में अगर तुम्हें मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।